हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, फिनटेक गुरुजी पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो SBI में अपना आधार कार्ड लिंक करवाना चाहते हैं, तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि क्या और कैसे और किस तरीके से आप आधार कार्ड को ऑनलाइन SBI में लिंक कर सकते हैं या इसमें लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज पूरा डिटेल्स आज हम लोग जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने क्रोम पर और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं SBI, और यहां पर आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे पहला वेबसाइट है और जिसका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उस पर चला जाता हूं। यहां पर पहले ही मुझे लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन पर जाना है और यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर ओपन कर लेना है। तो मैं फटाफट से अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग की सेवा अगर आप शुरू कर रखे हैं SBI में, तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की सेवा नहीं है, तब आप ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कर सकते हैं और जिसके जरिए आप उस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे किस तरीके से आप SBI में इंटरनेट बैंकिंग की सेवा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं फटाफट से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। अब मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को डाल करके सबमिट कर देता हूँ। तो लीजिए, इस तरीके से मेरा अकाउंट जो है इंटरनेट बैंकिंग का SBI का ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा और इसी में आपको माय प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको चले जाना है। माय प्रोफाइल में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहां पे मांगा जाता है, तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड दे देना है। तो दोस्तों, मैंने यहां पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल करके यहां पर लॉगिन कर लिया है और यहां पे मेरा सारा जितना इन्फॉर्मेशन है वो दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे यहां पे मिल रहा आधार नंबर, लेकिन उस आधार नंबर पे क्लिक करने के बाद मैं वहां पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूं। तो इससे ये पता चलता है कि मैं यहां पे अपने आधार नंबर को ऑनलाइन तरीके से चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप पैन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप इसमें ऑनलाइन तरीके से पैन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पैन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल के अंदर ही में यहाँ पर आपको लास्ट में पैन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आपको पैन रजिस्ट्रेशन पर चले जाना है और यहाँ पर भी पैन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल पासवर्ड दे देना है। मेरा चूंकि यहाँ पे पैन पहले से रजिस्टर है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं होता तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता। और एक बात और कि और ये कि SBI के अंदर में आप आधार कार्ड ऑनलाइन तरीके से लिंक नहीं करवा सकते, बल्कि आपको ब्रांच में जाना पड़ता है, ब्रांच के ज़रिए ही आप आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। तो आप, मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे देख रहा था और लोग बहुत सारे नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि आधार कार्ड को कैसे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं SBI में। तो बता दूं कि आप SBI में आधार कार्ड ऑनलाइन लिंक नहीं कर सकते आप, लेकिन पैन कार्ड रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आधार कार्ड लिंक करवाना है तो आपको ब्रांच जाना पड़ता है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।